फ्रंट लुक देखें जी, माशाल्लाह गाड़ी की बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज हम आए कनाड ट्रैवल। तो आप सोच रहे होंगे हम कनाड ट्रैवल क्यों आए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पेशावर दोस्त की शादी पे। अच्छा, तो काफी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि यार बिजी था बहुत ज्यादा आपका भाई। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल आज हमने जा रहे हैं शादी बुलाए यार, क्यों ना इसका व्लॉग निकाला जाए। और आशीर भाई टिकट ले रहे हैं, आज फिर आगे टिकट वगैरह ले रहे हैं, चलते हैं उसकी तरफ। टिकट वगैरह ले लिया होगा उसने, थोड़ी देर तक हम तकरीबन 2-2.5 घंटे तक पेशावर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वहां पे जाके आपसे मुलाकात होगी। काशी भाई टिकट ले ली है, टिकट वगैरह ले ली है, ये गाड़ी रेडी है इंशाल्लाह। फिर अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे तक हम पहुंच जाएंगे पेशावर। डेढ़ घंटे तक मैं तो पहली दफ़ा जा रहा हूँ पेशावर, क्योंकि मुझे तो नहीं पता पेशावर कैसा होता है। ये आशिर जो है पेशावर का ही है। और हमारे ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी रोकी थी नमाज के लिए। शाबाश बेटा, अभी हमने नमाज वमाज पढ़ी है और फ्रेश भी हो गए हैं, बात भी हो गई, अदा हो गई है। और अभी हमारा ड्राइवर बिल्कुल रेडी है, बस अभी हम चलते हैं। उन्होंने यहाँ पर रोकी थी नौशहरा में, तकरीबन आगे 1.5 घंटा और लगेगा। सोचा कुछ टक शॉप से कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले ली जाए। अभी आए टक शॉप, गाड़ी वो खड़ी है, यहाँ से भी हम लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये मैंने तो अपने लिए स्टिंग ले ली है, और ये स्टिंग नहीं बूस्टर है, बूस्टर नहीं लेना, स्टिंग लेनी है। चेक कर यार आशिर, बूस्टर ही है, दो नंबर स्टिंग है ये। नहीं है हमारा नहीं है। स्टिंग ले। चल बूस्टर ही ले लेते हैं, थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा। ये हमने ले ली ठंडी ठंडी बूस्ट। चल आ जा, एक यहाँ से ले लेते हैं बबल, एक ले लेते हैं बिस्किट, 500 रुपए का बिस्किट है, कोई बात नहीं। अबे साले 500 के एक ये ले लेते हैं, ये भी उठा, एक ये ले लिया। चलो जी बिल दे दो। पेशावर के तमाम बहन भाइयों बुजुर्गों औरतों सबको मेरा सलाम। और अभी अभी तकरीबन हम 5 मिनट में पहुंचे हैं, यहाँ के कबाब बहुत मशहूर है, इंशाल्लाह खाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन है? पेशावर चेक करो जरा। वाह ता पसुदे यो को आप पाओ यो नेम सो पाओ यो को आप यो दवाना यो दवाना। अरे कहना क्या चाहते हो? पसुदे यो नेम सो यो कबाब यो नेम सो 150 रुपए का कह रहे हैं एक कबाब है। तो अभी हमजा भाई बात कर रहे हैं रक्षे वाले से कि हमने आगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्योंकि हमें तो कुछ भी पता नहीं है हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो समझाएंगे। तो फिर ये है, तो अभी अभी हम पहुँचे हैं, तकरीबन 5 मिनट हुए हैं। टुक टुक वाले खड़े हैं, टुक 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 टुक। दे 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 दिल ना उस पर दीवाने रहा 500 रुपये बता रहे भाई जान, 500 रुपया400 रुपये ठीक है मड़ा।
पंजाबी समझ के लूटने लगा था, लेकिन इन्हें नहीं पता यार हमें भी पछतावा आती है। काम ही ऐसे लोगों के साथ है कि पछतावा सीखनी पड़ेगी। अभी चलते हैं आगे की तरफ, टुक टुक हमारा बिल्कुल रेडी है। और तकरीबन ये कितनी देर तक पहुंचेंगे खान भाई? देर मदद दे बस, सही दे सही दे सही दे, मैं कहीं और ना लेके चला जाऊं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गंगा जिला मार्ग उत्पन्न पत्र लेके इतने दिन रिश्ता ना मजा ना पता। एक दे ठीक है। लेकिन हमें तो नहीं ना पता करीब है या दूर है, लेकिन बहुत दूर है यार। सफर बहुत अच्छा यार, बाकी तो सही कह रहा था। यार यहाँ पे नहरें बहुत है पानी की ना, ये नहरें हैं, ये पुराने वक्तों में ये नहरें थी, अभी जाके नाले बने हैं। हमने अभी पढ़ा तो हमने सिर्फ पीछे बैकग्राउंड में चीज स्टार्ट करनी है, अभी जाके नाले बने हैं। अभी का कुछ अभी देख आई यार, मैंने अभी की चीज डिस्कस नहीं करनी। सब चीजें डिस्कस करनी है पुरानी, 1965 से लेके 1998 तक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम टक्कर पहुंच गए। ये पेशावर की ब्यूटी आपको मैं चेक करवा रहा हूँ। मूसाजई इलाका हाँ मूसाजई इलाका है, काफी देर से बता रहे थे लेकिन यहाँ पे मुश्किल नाम है यार, खोड़ मूसाजई। अच्छा हमको सिखा रहा है। पार उसे कहते हैं ना जो दरिया गुजर रहा होता है या कोई नहर गुजर रही है उसका रास्ता जो पार हो रहा होता है। हाँ ये देखो जी माशाल्लाह, ये प्रोफेसर साहब है हमारे नमज यूनिवर्सिटी के, इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया अभी। और अभी अंदर गए हैं, वहाँ पे कट्टे छट्टे भी जिब हो रहे थे, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं साथ साथ। जरा बहुत मैदानी लग गया, खुला डुला ना, ये भी जबरदस्त यार। ये साफ पानी है, पहले साफ होते थे यार। हाँ देखो अगर पुरानी बात की जाए तो तब ये साफ पानी थे, अभी इन्होंने ना जब और अपने एक और चीज बताऊं, एवरेज की लाने टेस्ट करनी आप लोग की तरह ना, आप लोग एक और चीज बताऊं, आप परेशान हो जाएंगे। ये जा रहा है नाला यहाँ से, ठीक है ये नाला जा रहा है, नाले के नीचे से पहाड़े के नीचे से नाला बाड़े के नीचे से भी नाला। इसकी शादी पे आए हैं जी हम, बारह बनाई पकड़ा भी, ये बहुत अच्छी टाइमिंग गए हैं यार, इसकी शादी पे आए हैं। और फादे क्या हाल है? इधर देख ना, देख इसकी आंखें कितनी, वाह यार कितनी प्यारी आंखें हैं, मुझे दे दे आंखें, दे देगा? हाँ यार ये माशाल्लाह मच्छी की सफाई कर रहे हैं ये हमारे भाई ने, हमें पानी शानी पिलाया ठंडा। वो सारे बिजी हैं फादर लोग, ये इसने हमें पानी पिलाया माशाल्लाह। यार मुझे एक गिलास और ला दे, ठीक है ला देगा? व्लॉग देखिए, अच्छा मेरा व्लॉग देखता होता है नहीं यार, इनको नहीं था, इनको नहीं समझ आएगी। इसकी आंख कितनी प्यारी है, ले रहे मेहरबानी, मुझे एक गिलास और ला दे यार।
पड़ा रुक जाओ बल्कि ला दे यार। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हरेरा भाई की गाड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है, वो रेडी है और अभी थोड़ी देर तक बारात लेने जाना है इन्होंने। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके, सुके, सुके। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल। मैं क्या, चले आपको दिखा दूँ, बिल्कुल माशाल्लाह रेडी है, मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। देखो को तैयार किया गया यहाँ पर, छोटी गाड़ी नहीं तैयार की इन्होंने, बड़ी हाई लेवल की गाड़ी तैयार की है माशाल्लाह, बिल्कुल रेडी है। लेट हो गया काफी, इनका प्रोग्राम जो है वो काफी लेट हो गया है, थोड़ी देर तक निकलना है। लुक देखें जी माशाल्लाह गाड़ी की बहुत अच्छी है, अभी अभी इन्होंने तैयार किया है, टाइम बहुत शॉर्ट है और काम बहुत ज्यादा है। क्यों आशिर रेडी होगी गाड़ी? चल यार एक दिन आएगा तेरी भी रेडी होगी। तेरे लिए e-tron GT तैयार करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह जी आशिर के लिए e-tron GT तैयार करवाऊंगा, अपनी गाड़ी होगी इंशाल्लाह आशिर के लिए, वो रेडी करेंगे। बस आशिर तू रेडी हो जाए शादी के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपकी गाड़ी तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तैयार होगी, अभी हम जाने लगे हैं और बैठ आशिर, ये होगी गाड़ी रेडी। अपने घर की तरफ जाएं, यहाँ पे तो बहुत टाइम गुजर गया, बहुत काम बाकी है अभी। तो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी फॉर द बारात, ये आप देख लें बिल्कुल हमारी गाड़ी रेडी है, लाइटें वगैरह ऑन हो गई हैं, मेहमान वगैरह आ गए हैं, तकरीबन थोड़ी देर तक हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे बारात के लिए। अच्छा रेडी है? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है जी, बिल्कुल रेडी है, आपका चांद भी रेडी है, बस देखो सामने। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, मुबारक। इस बंदे के गाँव हम आए हैं शादी पे और इस बंदे ने हमें कितना 5 मिनट भी नहीं दी। इधर डरता है ऐसे बहुत, इधर डरता है। तो गाइस फाइनली हमारा जो है आज का दिन कंप्लीट हुआ, नज़र मुझे आगे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो थी बारात का दिन था और काफ़ी जो है वो बिज़ी डे था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आगे जो है वो दो दिन वलीमा है, एक दिन जो है वो लेडीज़ का वलीमा है और दूसरे दिन जो है वो जेंट्स का है, दो दिन ये फंक्शन रहेगा और मज़ीद। तो अभी यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पर जिसने फिजी ब्लॉगिंग को ज्वाइन नहीं किया सबसे पहले जाके फिजी ब्लॉगिंग को ज्वाइन करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा मेरी हर आने वाली नई वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।